नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज एक छोटी सी हार्वेस्टिंग करेंगे हम लोग और कुछ बातें करेंगे गार्डनिंग के बारे में। अभी मैं ये लौकी हार्वेस्ट कर रही हूँ। अभी इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, पर इस पर फूड फ्लाई ने अटैक कर दिया हुआ है। तो थोड़े दिन मुझे छिड़काव करना था नीम ऑयल का, पर मैंने छिड़काव नहीं किया तो थोड़े से फूड फ्लाई का अटैक बढ़ गया है प्लांट्स पे। तो ये देखिए, ये छोटी सी हार्वेस्टिंग हुई है। गांठ गोभी है, मूली, लौकी, बैंगन, सेम की फर्स्ट हार्वेस्टिंग है मेरी, और फ्रेंच बीन्स, अदरक, हल्दी, ये सब। तो ये देखिए, मेरे फ्रेंच बीन्स का ये दो ही पौधा है, पर इसमें से अक्सर अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाती है। ये देखिए कितना हेल्दी और कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग ये दे रहा है। ये थर्ड हार्वेस्टिंग है मेरी इस प्लांट की। तो अभी तो बहुत ज़्यादा गोभी और विंटर के बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स में से हार्वेस्टिंग नहीं मिल रही है, पर तो छोटी मोटी हार्वेस्टिंग मिल जा रही है। पर ये मेरे फ्रेंच बीन्स का एक पौधा बहुत ज़्यादा ग्रो, इसमें मैंने तीन पौधे लगाए थे जिसमें से एक तो बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं किया, पर एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया और एक मीडियम साइज़ का है। पर मुझे हार्वेस्टिंग एक ही पौधे से ज़्यादा मिलती है। तो ये देखिए कितना हेल्दी है ये। तो थोड़ा सा पहले बीन्स हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा ये पौधे की थर्ड हार्वेस्टिंग है। मैंने सेकंड हार्वेस्टिंग के बाद इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र डाला था, गोबर का खाद। तो उसके बाद से इसकी इसी तरह ग्रोथ चल रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो ये देखिए, ये जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है बीन्स, तो इसके भी बीज को अगर आप लगा देते हैं तो ये भी जर्मिनेट हो जाता है और अच्छा पौधा तैयार हो जाता है। ये थोड़ी सी बीन्स हार्वेस्ट कर ली जाए। इस समय बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं, अभी स्टार्ट ही, विंटर के हार्वेस्टिंग स्टार्ट ही हुई है। तो ये मेरी सेम की फर्स्ट हार्वेस्टिंग है सेम के पौधे से। तो ये इस बार मैंने इस तरह का सेम लगाया है, मैंने ऑनलाइन परचेज किया था। कई बार मैं घर के पास से शॉप से लेती थी तो मुझे यही वाला चाहिए था, पर मुझे नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने ऑनलाइन सर्च करके ये वाला अमेजोन से मंगाया है ये सीड। लकली ये अच्छी निकल गई है, अब मैं इसी का सीड निकाल के हर साल के लिए रख लूँगी। तो इसका टेस्ट डिफरेंट होता है, बहुत ही टेस्टी, मुझे बहुत पसंद है इसका टेस्ट। तो इसलिए ये मेरी फर्स्ट हार्वेस्टिंग है। बेल बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ ली हुई है। बॉक्स में मैंने लगाया हुआ है, तो वैसे भी जो मेरे बड़े साइज का बॉक्स है उसमें कोई भी प्लांट का अच्छा ग्रोथ लेता है। बड़े साइज का कहने का मतलब एक 3 इंचे को जोड़कर बनाया गया है, और कुछ जो मेरे बॉक्स हैं वो 3 बॉक्स मेरे 3 इंचे को जोड़कर बनाया गया हुआ है, और 2 बॉक्स है 2 इंचे के बराबर उसकी डेप्थ है। तो 3 वाले में कोई भी प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ लेती है। तो ये देखिए मेरे सेम का और लौकी का पौधा इस बार जो मैंने उस वाले बॉक्स में लगाया है। वैसे भी आप जब भी कोई पॉट, ग्रो बैग या कोई भी बॉक्स इस तरह का कहीं भी, तो आप हमेशा प्लांट को चेंज करते रहिए। जैसे आपने एक बार गोभी लगाया है तो अगले ट्रिप में आप उसमें टमाटर लगाइए। तो इस तरह से जब चेंज करके हम कोई भी पौधे को लगाते हैं तो वो बहुत अच्छी ग्रोथ लेता है, क्योंकि हर पौधे की डिमांड अलग होती है, वो मिट्टी से क्या ले रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप हर फसल को चेंज करके पॉट में लगाते हैं तो आपकी मिट्टी और मिट्टी को भी हमेशा मिक्स करते रहिए, तो इससे आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी पौधे से, मुझे जहाँ तक लगता है। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ। तो ये देखिए गांठ गोभी, ये मेरा अनवांटेड है फिर भी
ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग दिया, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है गांठ गोभी, तो मैं अपने घर में, मेरी फैमिली को भी नहीं पसंद है, तो मैं अपने पॉट्स में लगाती ही नहीं हूँ। आपने मेरे पीछे भी वीडियो देखा होगा, मैंने कभी भी नहीं लगाया है, ये फर्स्ट टाइम की है, और ये बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी हुई है। ट्राई करते हैं, शायद अच्छी लगे तो फिर मैं लगाऊंगी अगले बार से। तो ये मूली है, इस पॉट की मूली मैं कई हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, और अब तो शायद एक दो ही बचा हुआ है, तो हर बार मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, जैसे आया कोई मैच्योर है मैं निकाल लेती हूँ इस तरह से करके। कभी कभी मौका लग जाता है तो मैं वीडियो बना लेती हूँ, डेली वाली वीडियो नहीं बना पाती हूँ। ये हरी मिर्च मैंने बाकी पौधों की तो हार्ड प्रूनिंग कर रखी है, लेकिन कुछ एक पौधों में से अभी भी मिर्च अच्छी आ रही है, तो मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं की है। तो ये इतना बड़ा पौधा है भी नहीं कि इसे हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत हो, मैं ये फ्रूटिंग देता रहेगा, इसके बाद मैं इसे निकाल दूँगी। जब तक ये फ्रूटिंग देगा तब तक ठीक है, उसके बाद मैं इसे निकाल दूँगी, क्योंकि हार्ड प्रूनिंग के लिए भी पौधा जो बहुत बड़े साइज का होता है वो अच्छी ग्रोथ होता है सेकेंड ट्रिप में हार्ड प्रूनिंग में, जो छोटा पौधा होता है उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। ये लौकी है, तो इस वाले प्लांट से मैंने अब तक चार लौकी हार्वेस्ट कर लिया है, तो बहुत अच्छी थी ये। इस वाले पे सिर्फ फ्रूट फ्लाई का अटैक हुआ है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे नीम ऑयल स्प्रे किए हुए, मेरे पौधे को नीड नहीं थी, अब जाके नीड हो रही है। तो बीच बीच में कभी कभी ऐसे ही देते रहना चाहिए, तो इससे कीड़े नहीं बढ़ते हैं, पर मैं जब नीड होता है तभी मैं देती हूँ, जब कीड़े मेरे आने शुरू होते हैं तो मुझे लगता है कि अब देना चाहिए। मैं